नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आज मेरे माली भाई आए थे मेरी छत पर। ये काफ़ी लंबे समय से मेरे यहाँ आते रहते हैं और इन्होंने मेरे को आज एक नई जानकारी दी। वो जानकारी ये जो हाथ पे लिए हुए हैं, अब इसका ये कैसे प्रयोग करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये मेरे को बताएंगे। और ये आज आम के पौधे को लगा कर दिखाएंगे आप लोगों को कि ये किस तरह से आम के पौधे को लगा रहे हैं और इनका तरीका क्या है। इन्होंने बताया कि मेरे तरीके से अगर आम का पौधा आप लगाएंगे और ये क्या क्या सामग्री डालेंगे ये मैं बताता चलूँगा आपको। और ये इस तरीके से अगर आप आम का पौधा लगाएंगे तो कभी कभी आपका आम का पौधा नहीं मरेगा। लगाने का तरीका है, इसके बाद में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कैसे आम के पौधे की देखरेख करनी है। अभी केवल ये आपको बताएंगे कि आम के पौधे की मिट्टी किस तरह तैयार करनी है, कितने साइज का गमला लेना है। इन्होंने देखो यहाँ पर जो मिट्टी ली है, ये इस मिट्टी के अंदर ये गार्डन की मिट्टी है, ये नई मिट्टी है गार्डन की। अगर आपके पास नई मिट्टी नहीं है इसमें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा कि जिसमें सब्जी बोते हैं वो मिट्टी का प्रयोग ना करें, नई मिट्टी लें जिसमें किसी तरह की गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और सरसों की खली जिसमें ना हो। अब देखिए इन्होंने मिट्टी जो ली है उसमें थोड़ी सी, लगभग एक गमले 12 इंच के हिसाब से मैं बता देता हूँ, क्योंकि भैया को थोड़ा सा यूट्यूब बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने इसमें केवल एक मुट्ठी धान की भूसी मिलाई है, राइस हक्स, चावल का छिलका। अब देखिए इसके बाद में ये इसमें क्या क्या मिलाते हैं। देखिए पहले नंबर पर ये उठाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ट्राइकोडर्मा पाउडर, ये इसमें देखिए कितना ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल रहे हैं, ये एक चम्मच या दो चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर डालेंगे। ध्यान से देख लीजिए आप कि इसके अंदर केवल एक दो चम्मच, और ये किस तरह से लगाते हैं आप इनका तरीका जान जाएंगे तो आपका भी आम का पौधा नहीं मरेगी। देखिए इस मिट्टी में इन्होंने दो चम्मच केवल ट्राइकोडर्मा पाउडर डाला जिससे फंगस ना लगे इसके बाद में ये डालेंगे इसमें देखिए ये मार्बल पाउडर को इन्होंने लिया है यहाँ पर, और इस मार्बल पाउडर को भी ये केवल देखिए कितना मिलाते हैं, आसानी से आपको दिखाऊँगा अभी, और ये तरीका भी मैं बताऊँगा आपको इनके लगाने का। दो चम्मच ये मार्बल पाउडर भी देखिए, ये दो चम्मच, जिससे पौधे में कैल्शियम बढ़ने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिससे कैल्शियम इसमें पर्याप्त मात्रा में हो जाए और आम के पौधे में कोई भी बढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। तो इन्होंने देखिए ये आपको डाल के दिखाया जो मार्बल पाउडर। अब इसके बाद में ये डालेंगे देखिए सीवीड, ये लगभग 2-3 चम्मच इसमें सीवीड, मिट्टी के अंदर सीवीड, समुद्री शैवाल से बना हुआ सीवीड, ये देखिए इन्होंने लगभग 2-3 चम्मच कर देंगे सीवीड, एक गमले के लिए 3 चम्मच सीवीड बस। और इसके बाद में आप ये डालेंगे देखिए यहाँ पर गेरू पाउडर, गेरू पाउडर तो डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर आयरन की जो है ना प्रचुर मात्रा गेरू के अंदर आयरन की होती है, तो ये देखिए यहाँ पर गेरू पाउडर के ये 2 चम्मच देखिए, ये देखिए 2 चम्मच गेरू पाउडर, इस तरह से 2 चम्मच गेरू पाउडर डाल दिया। अब इसके बाद में इसको मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इस मिट्टी में आपको किसी तरह का कोई भी चीज़ नहीं मिलानी, ना तो नीम की खली मिलानी है, ना तो सरसों की खली मिलानी है, वर्मी कंपोस्ट है उसको नहीं मिलाना है, और गोबर की खाद भी नहीं मिलानी है इस। हाँ ये ज़रूर है, लगाते समय की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कभी नहीं मिलाना। आप इसको करेंगे मिक्स, देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सारी सामग्री को आप मिक्स कर लीजिए। और इसके लिए आपको मिट्टी का गमला लेना है, यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी के गमले का चुनाव किया है, और यहाँ पर ये जो आपको मिट्टी के गमले दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में और आपको दिखाऊंगा। अभी ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने अच्छी तरह से देखिए मिट्टी को मिक्स कर लिया, और यहाँ आपके सामने देखिए 2 आम के पौधे, इस तरह के पौधे देखिए, इस तरह से पौधे आपको लेने हैं जैसे कि मैं पौधे ले रहा हूँ। देखिए आपको पौधे दिख रहा होंगे, इनके तना भी मैं दिखा देता हूँ, कितना मोटा तना देखिए, इस तरह से मोटे तने के पौधे आपको लेने होते हैं। और इसमें देखिए अब आपको पौधा लगा कर दिखाएंगे, और इसके बाद वो जो इन्होंने पहले एक आइटम आपको दिखाया था पकड़ के, वो भी इस वो आइटम किस तरह से ये प्रयोग करेंगे मैं जो है ना आपको बताऊंगा अभी, कि खुद ही ये डाल के आपके सामने दिखाएंगे कब इसको डालना है, कहाँ डालना है, मिट्टी में डालेंगे कि क्या करेंगे। ये जो ग्लूकोन डी आपको दिखाया था इसका ये क्या करेंगे, अब देखिए इस तरह से आसानी से आप पन्नी को काट लीजिए। आम के पौधे के लिए मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, मैं भी बताता रहता हूं आप लोगों को कि इस तरीके से आम का पौधा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और शुरुआत में देखिए जैसे कि ये आम का पौधा आया है तो इसकी जो पॉलीथीन है,
जो इसका रूट बॉल है, ये रूट बॉल केवल अभी इसका जो है ना लगभग मेरी समझ में 5 इंची या 6 इंची रूट बॉल होगा। ये देखिए 5-6 इंची रूट बॉल होगा और इसको आसानी से आप निकाल लीजिए बिल्कुल। और किसी भी तरह के, आपको एक बात और बता दूँ, लाल मिट्टी में लगा हुआ पौधा आप ना लें, तो कोशिश करें कि लाल मिट्टी में जो लग के पौधे आते हैं वो ना लें। वो पौधे ज़्यादातर लाल मिट्टी में लगे हुए पौधे मर जाते हैं। ये देखिए इन्होंने निकाल लिया, अब ये लगा के आपको दिखाएंगे। अब इसके नीचे देखिए छेद जो है, गमले के 12 इंची मिट्टी का गमला लिया, इसके नीचे छेद उन्होंने कर रखा। ये देखिए अच्छी तरह देखिए इन्होंने छेद कर रखा, ये छेद है। और इसमें रखेंगे ये दियाली, जो दीपक होता है, ये देखिए ये दियाली रख दी। अब इसके बाद ये भरेंगे इसमें वही मिट्टी, इसमें धान की भूसी है, नॉर्मल मिट्टी है बस। इसके बाद में ये देखिए ये रख के देख लिया इन्होंने कि आम कितना आ रहा, क्योंकि इनका कहने का मतलब है कि कम से कम लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर की जगह खाली होनी चाहिए। ऊपर की जगह अगर 1-1.5 इंच खाली रहेगी तो पानी डालने की वो रहेगी। इसलिए आप देखिए इसमें यही मिट्टी साइड से पूरी मिट्टी भर देंगे इनमें, किसी भी चीज़ को इसमें नहीं मिलाया। और 12 इंची का गमला लिया इन्होंने, मिट्टी का गमला। अगर इससे बड़ा आप गमला लेंगे, अगर ग्रो बैग लेंगे ना, तो ग्रो बैग में ये समस्या, एक गमला 12 इंची का नहीं, ग्रो बैग की मिट्टी में 4 गमले भर जाएंगे मिट्टी के। 1 12 इंची का अगर ग्रो बैग लेंगे तो 4 गमले भर जाएंगे। देखिए इसी तरह से जो दूसरा पौधा, इसको भी लगा लेंगे। पर अभी आपको एक पौधा इन्होंने लगा के दिखाया। अब ये जो ग्लूकोन डी था उसको क्या प्रयोग करेंगे इसमें, अभी इसमें पानी, अब इसके बाद पानी, इसके बाद जो इन्होंने ये कर दिया, अब इसके बाद में इसमें देंगे पानी। पानी देने के पहले ये जो है ना, देखिए इसके अंदर, अब ये देखिए ये ग्लूकोन डी जो ये लेके आए थे, समझे, मंगाया था मेरे से, तो अब मैं इनका प्रयोग एक पौधे में कर रहा हूँ। और आगे से इन्होंने कहा आप करके देखिएगा, केवल 1 चम्मच से भी कम, इनका कहने का मतलब है जो ग्लूकोन डी पाउडर है इसको आप 1 चम्मच से कम लीजिए, और 1 लीटर पानी के अंदर, ये देखिए इन्होंने इतना सा ग्लूकोन डी निकाला, और निकालने के बाद पानी के अंदर जो है ना, ये देखिए इन्होंने इसके अंदर जो पानी वाली बोतल है, स्प्रे पंप है, इसके अंदर डाल, 1 चम्मच से भी कम डाला। अब इसके बाद में ये इस पे मिलाएंगे, देखिए अच्छी तरह से इसको हिला लिया। ये प्रक्रिया आप जरूर करिएगा, YouTube के ऊपर आपको कोई नहीं बताएगा कि ग्लूकोन डी का भी स्प्रे। इनका कहने का मतलब ग्लूकोन डी में वो ताकत है कि जिस तरह से हम लोगों को एनर्जी दे देता है, तो पौधे को जब मिट्टी में लगाएं तो इसके ऊपर ग्लूकोन डी का जो है ना प्रयोग जरूर करें। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से इसको नहला देना है, ग्लूकोन डी से पौधे को बिल्कुल अच्छी तरह से पौधे को नहला देना है। और नहला के इसके बाद ये बोले हैं कि इसको रखना है आपको छाया में कम से कम 3 दिन, छाया वाली जगह में नहलाने के बाद। अब इसके बाद में अच्छी तरह नहलाने के बाद अब जो है ना आखिरी में बोले इसमें दीजिए आप पानी। अब देखिए देख के दिखाएंगे आपको ये पानी, जो मिट्टी में पानी देना है तो मिट्टी में पानी अभी आपको आखिरी में एकदम तब मिट्टी में पानी देना, पहले इसको ग्लूकोन डी से नहला दीजिए। देखिए इन्होंने आपको ग्लूकोन डी से नहला के भी पौधे को दिखाया, और यहाँ पर अब दे रहे हैं पानी आखिरी में, और पानी एकदम से पूरा इसको इतना भर देना है कि बिल्कुल पौधा पानी से एकदम वो हो जाए, नीचे से पानी निकल जाए। और ग्लूकोन डी देने के बाद आप देखिएगा कि पौधा एकदम तरोताज़ा आपका हो जाएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।